श्री कृष्ण लीला का चिंतन में ब्रज में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन और श्री कृष्ण की वर्षगांठ। व्रजपुर को अलंकृत करने वर्षा ऋतु आई हुई थी। वह श्याम घटा का विस्तार करके रिमझिम करती हुई बूंदों के रूप में नंद प्रांगण में झरा करती। एक दिन झत्ते समय हठात उसने यशोदा के क्रोध में अवस्थित श्याम वरण नवजात नंदन को देखा। देखते ही मानो उसे प्रतीत हुआ, मेरे निर्माण से पूर्व किसी विश्वातीत विचित्र सृष्टा ने इस श्याम शिशु का निर्माण किया था। निर्माण के पश्चात उसने अपने श्याम रंग रंजित हाथों को सागर में धोया था। वे हस्त प्रक्षालित श्याम वारी जमकर घन हो गया। उसी को उपादान बना करके विधाता ने मेरे नव जलधर रूप में व्यक्त होने वाले अंगों की रचना की थी। आज वर्षा को नंद नंदन का रूप देख करके अपने रूप के उद्गम का ज्ञान हुआ। इतना सुंदर मूल देख करके वह फूली नहीं समाती थी। अतृप्त नयनों से वह नंद नंदन का सौंदर्य निहारती हुई ब्रज के आकाश में नाच रही थी। नाचते नाचते मन में आया, एक बार सरथा नंद नंदन में मिल जाऊं, निकटतम स्पर्श पा करके कृतार्थ हो जाऊं, साथ ही इनकी श्यामता की एक पुट मेरे अंगों पर और लग जाए। कदाचित नंद नंदन के अतुल श्यामल अंगों की यत किंचित तुलना की सामग्री मेरे अंग भी बन जाए। वर्षा ने मानो इसी उद्देश्य से अपने अंगों में को समेटा तथा देखते ही देखते वह इस प्रकार आकाश में नहीं प्रजनंदर के श्याम अंगों में विलीन हो गई। इसके पश्चात शरद सुंदरी आई, राशि राशि विकसित पद्मों की ओट से झांक झांक कर मानो वह देख रही थी कि इस बार ब्रजपुर कैसा सजा। नंद प्रासाद के दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवर के प्रस्फुटित कमलों में छिप कर बैठी हुई वह एक दिन नंद भवन की शोभा परख रही थी। हठात प्रिय पुत्र को गोद में लिए ब्रज रानी गवाक्ष रंध्रों के समीप आ गई तथा शरद सुंदरी ने नंद नंदन को देख लिया। उसने मानो अनुभव किया, ओह, नंद नंदन का मुख तो एक पूर्ण प्रस्फुटित अरविंदा है, दोनों नेत्र तो उत्फुल कमल हैं, दोनों हाथ विकास उन्मुख दो अंबुज कोरक हैं, नाभि नहीं है, ये तो एक अरुण अम्भोज कोश अर्थात लाल कमल की कली है तथा ये दोनों चरण तो पूर्ण विकसित पंकज हैं। इन अष्ट कमलों की शोभा भी विलक्षणी थी। स्वप्न में भी शरद ने अब तक ऐसे सुंदर कमल की कल्पना नहीं की थी। उसने अपने अंचल में भरे हुए अनंत पद्मों का सौंदर्य एकत्रित किया तथा इस ढेर में अपने कोश की समस्त संचित श्री मिला दी। फिर भी देखा, इन 8 में से एक कमल के कण मात्र सौंदर्य की भी तुलना इस ढेर से असंभव है। स्तब्ध होकर वह नंद नंदन की ओर देखने लगी। अवधि आने तक वह अपलक नेत्रों से नंद नंदन को ही निहारती रही। जब जाने लगी तब उनके प्रति प्रबल आकर्षणवश सारी शोभा बटोर करके उसे हृदय में छिपाए। इस बार वह भी मानो नीले नील आकाश में नहीं बल्कि नंद नंदन के नेत्र कमलों में जा मिली। अब हिमाचल की ओर से हेमंत आया। धुएं का भी तान तान करके वह ब्रजपुर में निवास करने लगा। उसका आगमन देख करके कहीं मेरे नीलमणि को हेमंत की दृष्टि न लग जाए, मेरा बालक रुग्ण ना हो जाए, इस भय से जननी शोदा प्रायः नीलमणि को वस्त्रों में छिपाई रहती। दिन में जब सूर्य ऊपर उठ आज आते तो उस समय मैया उनके अंगों पर से वस्त्र हटाती, अंगों में तेल लगा के उष्ण वारी से प्रक्षालित करके उन्हें पोंछती। इसी समय एक दिन दूर खड़े हुए हेमंत ने अपनी शीतल आंखों से नंद नंदन के दर्शन किए।
जब तक सूर्य अस्ताचलगामी नहीं हुए तब तक वह बड़ा खड़ा खड़ा देखता रहा, पर सूर्य के छिपते ही जन्नी ने भी नीलमणि को अपने आंचल में छिपा लिया। इस अदर्शन दुख से ही मानो हेमंत सारी रात रोता रहा। प्रातःकाल राशि राशि ओस कण के रूप में हेमंत के नेत्रों से झरे हुए अश्रु बिंदु सर्वत्र बिखरे दिखाई दिए। 2 मास वह रहा। इतने समय दिन में नंद नंदन की झांकी पा करके अतिशय प्रफुल्लित रहता, पर रात्रि में खिन्न हो जाता। मैं इतना शीतल क्यों हुआ? मेरी शीतलता के भय से ही तो मैया अपने पुत्र को छिपा लेती है। किंतु अकस्मात उसे एक बार अनुभव हुआ, नंदनंदन के चरण तल में एक अभिनव शीतलता भरी है। उनके चरण अत्यंत शीतल हैं, वे अत्यंत सुखद हैं। उनका वह शैत्य तो किसी के लिए कष्टद नहीं होता, सभी उसका अभिनंदन करते हैं। उसने सोचा, फिर क्यों नहीं मैं भी इन चरणों में ही मिल जाऊं, इनके संसर्ग से मेरी कटुता भी दूर हो जाएगी, ब्रजवासी फिर मुझे अतिशय प्यार करने लगेंगे। बस इस भावना से ही मानो हेमंत नंद नंदन के चरणों में लीन हो गया। ठीक यही दशा इसका अनुसरण करने वाले इनके बंधु शिशिर की भी हुई। उतने ही दिन वह भी ब्रजेंद्रपुरी में रहा। हेमंत की भांति ही वह भी दिन में ब्रजेंद्र नंदन को निहार करके अत्यंत प्रसन्न होता, पर रात्रि में खिन्न हो जाता। अंतर इतना ही था कि कभी कभी उसे रात्रि में यशोदा नंदन के अदर्शन से मानो हेमंत की अपेक्षा भी अत्यधिक दुख होता था। दुख से उसके हृदय की गति स्थगित हो जाती, उसका हृदय जम जाता था। शिशिर का जमा हुआ हृदय ही मानो हिमपिंडों के रूप में प्रातःकाल ब्रजवासियों को दिख पड़ता था। अस्तु अंत में वह भी हेमंत की तरह भावित होकर के नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के पास शीतल शतम चरणों में मिल गया। शिशिर का अवसान होने पर आम्र मंजरियों के अंतराल से अपने कर पल्लव पर कोकिल बिठाए वसंत निकला। दुकोल से शीतल मंद सुगंध पवन का संचार करता हुआ नंद भवन में जा पहुंचा। जाते ही उसने देखा मणि में प्रांगण में श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए हुए धात्री बैठी है। उसकी ओर मुख किए रोहिणी नंदन बलराम को गोद में लिए वासंती परिधान से विभूषित ब्रज रानी बैठी है। उनकी पीठ की ओर ऋषि रोहिणी जी खड़ी हैं तथा उनके पीछे गोपिकाओं का एक दल है। दूसरी ओर कुछ हट करके ब्रज गोपों के सहित ब्रजेंद्र खड़े हैं। सबकी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर है और श्री कृष्ण राम को एम राम श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अब धात्री ने श्री बलराम की ओर लक्ष्य करके कहा, बेटा राम कल की तरह तो बोल दे, एक बार माँ माँ ता ता कह दे। राम धात्री का आदेश पा करके मधुर स्वर में माँ माँ ता ता कह उठे। बस उसी क्षण अपने समस्त अंगों को कंपित करके वेग से निकल किलकते हुए कर कमलों को नचाते हुए राम की ओर झुक करके श्री कृष्ण भी बोल उठे, माँ माँ ता ता माँ माँ ता ता। ओह, इस ध्वनि ने तो आनंद की सरता बहा दी। उससे ब्रजरानी गोपिकाएं गोप गोपेंद्र सब डूब गए। उसी समय कुहो कुहो करती हुई कोकिल पुकार उठी, किंतु किसी ने भी ये कुहो कुहो नहीं सुना। सबके करण अंदरों में गूंज रहा था, माँ माँ ता ता माँ माँ ता ता। वसंत के कानों में भी केवल माँ माँ ता ता झंकृत हो रहा था। वसंत ने अनुभव किया, मेरे अनअधिकृत कोकिल कंठ में ऐसी मधुर धारा बहाने की शक्ति नहीं। वह ये सोच ही रहा था कि श्री कृष्ण अंगों को छूकर आए हुए पवन ने उनके नासापुटों में एक विलक्षण सुर भी भर दी। फिर तो वसंत आनंदमत हो गया।
आनंदमत हुआ वह श्री कृष्ण की ब्रजपुरी की परिक्रमा करने लगा। यद्यपि श्री कृष्ण अंग सौरभ की तुलना में समस्त वसंत श्री अत्यंत तुच्छ नगण्य बन चुकी थी, फिर भी वह वसंत माधी बकुल आदि पुष्पों का पराग पवन को देता एवं कह देता, ले जाओ इन्हें श्री कृष्ण के अंगों से छुला देना, इनका अस्तित्व सफल हो जाएगा। एक दिन प्रातः समीर के हाथ चंपक पराग की भेंट चढ़ा करके वह श्री कृष्ण को देखने गया था। उसी समय उनकी एक नई लीला उसने देखी। तुमुल हर्षध्वनि से समग्र नंद प्रांगण निनादित था। गोपिकाएं ताली पीट रही हैं, श्री कृष्ण किलते हुए आंगन में घुटरों चल रहे हैं। कुछ ब्रज सुंदरियां ब्रज रानी से कह रही हैं, तुम जो मनावत सोई दिन आयो, अपनो बोल करो किन जसमती, लाल घटरू वन धायो। तब से वसंत प्रतिदिन ही श्री कृष्ण की इस लीला का दर्शन करते हैं, किंतु अब उनका अधिकार समाप्त हो रहा है। द्वार पर ग्रीष्म प्रतीक्षा कर रहा है। उदास होकर वसंत ने सोचा, आह पुनः मेरा अधिकार आने पर भी श्री कृष्ण की ये रिंझन लीला कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक उसी समय श्री कृष्ण के मुख कमल पर मंद मुस्कान छा गई। बस वसंत को मानो उपाय सूझ गया और वो अपनी समस्त संपत्ति लिए हुए ही उस मुस्कान में मिलकर तन्मय हो गया। अब शीर्ष पुष्पों का मुकुट धारण किए एवं मल्लिका कुसुमों की माला पहने ग्रीष्म आया, परंतु फिर भी उसके अंग जल रहे थे। ना जाने कितने काल से ग्रीष्म जलता ही आया है, इसलिए उसकी जलन दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। वे जहां जाता है वहीं ताप का विस्तार करता है, किंतु इस बार ग्रीष्म ने आश्चर्य में भर के ये देखा कि ब्रज उसके प्रभाव से झुलसा नहीं है। उसने अनुभव किया, ब्रजपुर की लता वल्लियों ने आज जब मैं आया तब मेरा स्वागत तो किया, मेरा अधिकार भी माना, पर वे मलान नहीं हुई। सरोवरों ने मेरा उचित आतिथ्य किया, पर वे शुष्क नहीं हुए। मैं सोचने लगा, ऐसी विलक्षण सरसता ब्रज में कहाँ से आई। ब्रजपुर के सिवा तो अन्य सभी मेरे अधिकृत देश चल रहे हैं। मथुरेश कंस के मधुवन पर भी इससे मेरा ही अबाध अधिकार है, वह भी जल रहा है, फिर नंद ब्रज में ही ये परिवर्तन क्यों है। ये सोचते हुए ही देवक्रम से वह नंद भवन में जा पहुंचा और वहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। पाटल पुष्प निर्मित अवतंस धारण किए कुछ ब्रज सुंदरियां मणि स्तंभों की ओट में छिपकर खड़ी हैं, शांत रहकर श्री कृष्ण की चेष्टा देख रही हैं। श्री कृष्ण घुटरू चलकर द्वार के पास आ गए हैं, पर आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पद्म राग मणि निर्मित द्वार की चौखट धरातल से एक हाथ ऊंची है, उनका पत्थरों के खड़ी है। शिशु श्री कृष्ण हाथों से चेष्टा करते हैं कि चौखट पर चढ़ जाऊं, चढ़कर उसे पार कर जाऊं, पर चढ़ नहीं पाते। सारा बल लगाकर चौखट लांघना चाहते हैं, पर लांग सकते नहीं, हार कर वही हाथों को नचा नचा कर खेलने लग जाते हैं। ओह कैसी मुनि मन मोहन लीला है, जिन्होंने एक दिन दान में प्राप्त हुई तीन पद भूमि नापने जाकर के दो पद से ही सारी त्रिलोकी नाप ली थी, तीसरे पद के लिए भूमि नहीं बची थी। इतने बड़े जिनके पद हैं वे ही आज शिशु का साज साजे द्वार लंघन में असमर्थ दिख पड़ रहे हैं। शिति नापी त्रिपाद करना में बली छल दियो पतार, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद द्वार। ग्रीष्म ने ब्रजपुर की सरसता का रहस्य जान लिया। इसके बाद उसने श्री कृष्ण की अनेकों सुंदर सरस लीलाएं और देखी। कवि देखा आनंद प्रेम उमंग जसोदा, खरी गोपाल खिलावे कब हुक हिलके किलके जन्नी,
मन सुख सिंधु बढ़ावे। देख कर ताल बजावत गावती राग अनुपम लावे, कबहों को पल्लव पानी गहावे आंगन माझरी गावे। शिव सनकादि शुकादि ब्रह्मा आदि खोजत अंत न पावे, गोद लिए ताको हलरावे तोतरे बैन बुलावे। मोहे सुर नर किन्नर मुनि जन रवि रथ नाही चलावे, मोहि रही ब्रज की जुबती सब सुर दास जस गावे। कभी देखता तुरंत द्वारक के पास ब्रज रानी ने श्री कृष्ण को लाकर बिठा दिया है। स्वयं कुछ दूर पर गोपिकाओं के साथ खड़ी रह करके उसकी चेष्टा देख रही है। वहां रत्न घटित अलिंद अर्थात ब्रामदे के चबूतरे पर बकैया चलते हुए श्री कृष्ण खेल रहे हैं। वहीं उड़ते हुए कपोतों का एक झुंड आया और अलिंद के छत से लगे हुए मणि दंडों पर बैठ गया। चबूतरे पर उन पक्षियों की स्पष्ट प्रतिच्छाया पड़ने लगी। श्री कृष्ण उन प्रतिबिंबों की ओर ध्यान से देखने लगते हैं, मन सोच रहे हों कि ये क्या वस्तु है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ एम जानवों के बल उनकी ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच करके दक्षिण हस्त की अरुण मृदुल अंगलियों से प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ये देखते ही ब्रज पुरंदरियों में आनंद का प्रवाह बह जाता है। एक दिन उसने देखा श्री कृष्ण एवं राम के समस्त अंग आंगन की धूली से सने हैं। इन धूली दूसरी अंगों की अद्भुत शोभा हो रही है। घुटरू चलते हुए वे दोनों बड़ी देर से खेल रहे हैं। अचानक आगंतुक गोपिकाओं को देख करके वे डर से गए। दौड़कर दोनों जन्नी के पास जा पहुंचे। श्री रोनी एवं ब्रज रानी करदम लिप्तांग पुत्रों को अपने भुजपाश में बांध करके हृदय से लगा लेती हैं। पुत्र वात्सल्य के प्रबल आवेगवश उनके अविरल दुग्ध धारा शरित होने लगती है। दोनों जन्नियां अविलंब अपने दोनों पुत्रों के मुखों में दुग्ध पान कराती हैं। मुख में दुग्ध लेते समय उनके नए निकले हुए छोटे छोटे दो चार दांत चमक उठते हैं। तब जन्नी के दूध का स्पर्श पाने से मुख पर मंद हास्य छा जाता है। इन मुग्ध समित एम अल्प दर्शनों से समन्वित मुख का सौंदर्य निहार करके दोनों जन्नियां परम आनंद सागर में निमग्न हो जाती हैं। भला जो अपने श्री मुख से उद्घोषित कर चुके हैं, महाभयावे मृत्यु मेरे भय से ही कार्य करता है, उनका कतिपय आगंतुक गोप वनिताओं से भयभीत होकर जन्नी की गोद में आश्रय लेना कितना मोहक है। अनंत ऐश्वर्यशालीन गोलोक विहारिन भक्त अनुग्रह विग्रह श्री कृष्णचंद्र, तुम्हारी ऐसी ऐश्वर्य शून्य लीला की बलिहारी हैं, तुम्हारा ये दुग्धपान धन्य है। अनुदिन स्त्रवत सुधारस पंचम चिंता मनीषी धेनु, सोतजी जसुमति को पत पे पीवत भक्तनी को सुख देनु। एक से एक बढ़कर सरस एम आश्चर्य में भर देने वाली लीलाएं ग्रीष्म के सामने प्रकट हो रही थी तथा वह देख देख कर मुख दौड़ा था। अब उसने देखा कि यशोदा रानी श्री कृष्ण को खड़ा होना सिखला रही है। धनी जसुमति बड़ भागनी लिए काना खिलावे, तनक तनक भुज पकरी के ठाडो होन सिखावे। किंतु आश्चर्य है, अनंत शक्ति श्री कृष्ण में अभी ये शक्ति नहीं है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। अस्तु उनकी असमर्थता एम जन्नी यशोदा की लालसा देख करके पास में खड़ी ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने जाती हैं। श्री कृष्ण की भुजा पकड़ करके खड़ा होने को कहती हैं। कैसी भुजा पकड़ करके? जी ही भुजबल पर लादो बारियो,
हिरण्यकश्यप और भारे हो, सौ भुज पकरी कहत बरज जनारी, ठाडे हो ललारे हो। इसके दो दिन बाद ही ग्रीष्म ने देखा कि श्री कृष्णचंद्र खड़े होने लगे हैं तथा मैया अब उन्हें चलाना सिखा रही है। झुनक श्याम की पैजनिया, जसुमती सुत को चलन सिखावती, अंगुरी गही गही दौ जनिया, श्याम बरन पर पीत झंगुलिया, शीश कुलैया चौतनिया, जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताही खिलावती ग्वालनिया। पास खड़े आनंद मुग्ध ब्रजेश्वर पुत्र की ओर देख रहे हैं। मैया की चेष्टा जब सफल नहीं होती तब पुत्र को स्पर्श करने के लोभ से वह स्वयं शिक्षा देने आते हैं। गहे अंगुरिया ललन की, नंद चलन सिखावत, अरब राई गिरी परत है कर टेकी उठावत। पर दो दिन बाद ही मानो जन्नी की लालसा ने ही उनके पैरों में चलने की शक्ति भर दी। श्री कृष्ण जन्नी की अंगुली पकड़ करके आंगन में सर्वत्र चलने लगे। अवश्य द्वार लांघने में श्री कृष्ण को अत्यंत कठिनता होती। भीतर ते बाहर लो आवत, घर आंगन अति चलत सुगम भये, देहरी पे अटकावत, गिर गिर परत जात नहीं उलघी, अति स्त्रम होतन धावत। एक दिन के अंतर से ही उंगली छोड़ करके स्वतंत्र भी चलने लगते। पर देहली लंगन का प्रश्न अभी भी उतना ही कठिन है। आगे आगे श्री कृष्ण चलते, पीछे पीछे ब्रजरानी आती, किंतु जहां द्वार आया कि खड़े हो गए। मुस्कुरा मुस्कुरा कर जन्नी का आंचल पकड़ कर पार कर देने के लिए मधुर अस्फुट तोतरी बोली में बार बार कहते, पर जन्नी बल लगाकर चलने के लिए आदेश देती। श्री कृष्ण भी अपना पूरा बल लगाते पर नहीं ही चढ़ पाते, द्वार के इस पार ही रह जाते। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का अनंत बल पता नहीं इस समय कहाँ चला जाता। सो बल कहाँ गयो भयो भगवान, जिही बल मीन रूप जल थाहियो, लियो निगम हति असुर प्राण, जिही बल कमठ पीठी पे गिरी धरी, सजल सिंधु मथि कियो विमान, जिही बल रूप वरा दमन कर, राखी पोहमी पोहम समान, जिही बल हिरण्यकश्यप उर फारियो, भय भगत को कृपा निधान, जिही बल बलि बंधन करी पठियो, वसधा त्रैपद करी परमान, जी बल विप्र तिलक दे थाप्यो, रक्षा करी आप विद्यमान, जिस बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण निरपति निदान, जी बल जामवंत मद मेट्यो, जिही बल भूविंती सुनिकान, सूरदास अब धाम देहरी, चढ़ी न सकत प्रभु खरे अजान। श्री कृष्णचंद्र की उस विविध रसमय लीलाओं के दर्शन से ग्रीष्म की उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती तथा अब तो वह रस सागर श्री कृष्ण से नित्य जुड़े रहने के लिए तड़पने लगता, क्योंकि उसकी अवधि भी सीमित थी। जो जो जाने का समय निकट आ रहा था उनकी जलन बढ़ रही थी। सहसा एक दिन उसे श्री कृष्ण के सुचिंकन कपोलों पर प्रस्वेद कण दिख पड़े। बस उसकी मनोरथ पूर्ति का उसे सुंदरतम अवसर मिल गया। वह अविलंब मानव श्री कृष्ण के कपोलों पर झलकते हुए श्वेत बिंदुओं में ही विलीन हो गया। इस प्रकार ब्रजपुर में 6 ऋतुएं आईं तथा श्री कृष्णचंद्र के असीम सुंदर रूप गुण लीला का अनुभव करके उनमें विलीन हो गई। अब समाधि से जागी हुई सी वर्षा पुनः आई तथा आज पुनः भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी का दिन आया। इसी ऋतु चक्र एवं इसी दिन से जुड़ी हुई श्री कृष्णचंद्र की आयु भी 1 वर्ष की पूरी हो गई। आज अतिशय उमंग से श्री कृष्ण की वर्षगांठ मनाई गई है।
बरस गांठ गिर धर, लाल की कोपन न्योति बुलाए, जसमती मुदित सबन बोलन को घर घर नंद पठाए। गाम गाम प्रति पोरी पोरी, प्रति घर घर नंद पधारे, आदर दे बढ़ रे गोपन को एक आसन बैठारे। गाम गाम ते संकट जोरी के नंद महर घर आए, सुनी ब्रजरानी ब्रजवासिन मिली सन्मुख कलश पठाए। घर घर धूप दीपावली करी के निज मंदर पधराए, आदर दे बट रे गोपन को जोरी सभा बिठाए। प्रेम मुदित गावत व्रज नारी जसमती मंदर आई, कंचन थार पंधाए सजी सजी न्योते टी को लाई। चंदन अगर कपूर सुवासित आंगन भोन लिपाए, वंदन माला साथी द्वारे मोतिन चौक पुराए। कनक पीठी तापर जुग धरी के दक्षिण चीर बिछाए, मेहर महरी गिरी धरन गोदले मुदित तहां पिठाए। अन्वाचार्य मुनि गर्ग परासर कुश आसन पधराए, बढ़ रे देव पुजाए लाल को बहुविधि दान दिवाए। बंदी जन सब द्वारे गावे घुरे निशान नगारे, देव दुंदवी गगन बजावत ब्रज को तुहल भारे। दे असीस द्वारे जहां जा चक भय समन मन भाए, मुँह मांगे सब बिन को नक सिख पट भूषण पहराए। राई लोन उतारी आरती प्रमोदित मंगल गाए, अति उछा भरी भरी लालन को सबकी गोद दिवाए। बरन बरन आभूषण सारी ब्रज तरनी पहराई, प्रमुदित बहरी चली निज ग्रह को मनहु रंक निधि पाई। नंद राय बढ़ रे गोपन को चरणन शीश नवाए, जोरी उभे कर करत बिनती कृपा पुण्य फल पाए। गोप वृंद ऋषि वृंद विदा हुई देत चले असीसा, व्रजपति ब्रज रानी हरि हलधर जीवो कोटि बरीसा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।